हमारे गांव शहर में आगरा रोड को लेकर के जो काफ़ी टाइम से आगरा रोड का काम चालू है, तकरीबन 3 साल के करीब होने पे आ गया। पहले तो रोड नहीं बनी थी, इंसान जानवरों की ज़िंदगी जी रहे थे। अभी रोड बनने की वजह से जो सुस्त काम चल रहा है, आपने देखा कि जो साइड में गटरें बनी हुई है, गटर बनी है, लेकिन जहाँ से टर्निंग है बस्तियों में जाने के लिए रास्ता है, उस रास्ते को जो स्लैब बनाया गया, इस घटिया किस्म का काम किया गया है, जिसकी वजह से पूरा पानी सड़कों पे, पूरी मिट्टी सड़कों पे। आज 8 दिन से मैक्स स्टेप फाउंडेशन को आवाम शिकायत कर रही है कि जो मिट्टी रोड पे जमा है, उसकी वजह से बाइक स्लिप हो रही है, दिन भर में अनगिनत लोग गिर रहे हैं और आवाम उन्हें उठा रही है। परसों तो एक बच्ची का हाथ भी टूट गया इसी रोड के ऊपर। हमने कमिश्नर से, मैक्स स्टेप फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने कमिश्नर साहब से बात किया कि साहब ये बहुत गलत बात है, प्रशासक राज के अंदर इस तरीके की दुर्घटना और इस तरीके का बर्ताव अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला है। कमिश्नर साहब ने फौरन एक्शन लिया कि आप क्या चाहते हो ये बताइए। हमने उनसे कहा कि जो रोड के ऊपर जो मिट्टियाँ फैली हुई है, पहले आपके फायर ब्रिगेड भेज के वो मिट्टियाँ जो चिकड़ बनी हुई है उसे हटाइए, जीसीपी से साफ करवाइए, गटर का सही आउटलेट निकालिए ताकि पानी का निकाल होगा तो सब कुछ रास्ता सही रहेगा। आज आप देख रहे हैं सर कि आगरा रोड पे लोगों की जान पे बनी हुई है। इसी के साथ साथ मोतीबाग नाके का काम शुरू होता है, 1.5 महीने के अंदर मोतीबाग नाके से लेके मौसम पुल तक का काम हो जाता है। आप चले जाइए घंटा घर के पास, 4 किलोमीटर का रोड 3.5-4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। तो मालेगांव शहर की आगरा रोड, जहां पूरे शहरवासी, पूरे एतवाब के, पूरे महाराष्ट्र की आवाम का आवक जावक है, तो इस रोड के ऊपर इतनी ढिलंगी क्यों? आज हमारे साथ फायर ब्रिगेड के लोग, कॉरपोरेशन के 40 से 50 लेडीज लोग, मैक्स स्टेप के तमाम जिम्मेदार लोग, हम सड़कों पर निकल के आवाम की तकलीफ़ों को जानने की कोशिश किए कि क्या आपको तकलीफ़ है। और अब हम 2 दिन के बाद कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग करेंगे कि आगरा रोड का मुसलसल हल निकलना चाहिए, यह हमारा डिमांड होगा। जिस बच्ची का हाथ टूटा है, माननीय कमिश्नर साहब उसे जाके मिलना चाहिए, देखना चाहिए जो हाल जो बच्ची का हुआ है, और किसी बच्ची का नहीं होना चाहिए हमारा इस तरीके का। और हम आवाम से कहना चाहेंगे, मैं रिजवान बैटरी वाला ख़ास तौर से मालेगांव शहर की गयूर आवाम से अपील करना चाहता हूँ, मेरे भाई गटरों को आप घरों में ले लेते हो, गटरों को आप दुकानों में ले लेते हो, तो पानी कहाँ जाएगा? नालों को लोग बेच के 12-25 के टुकड़े बना के बेच दे रहे हैं, कुदरती पानी कहाँ जाएगा? मेरी दुकानदारों से, होटलों से, घर वालों से अपील है कि अगर जो आप गटर को बंद कर रहे हो तो ये आपके बच्चों के लिए जानलेवा है। आप अपने बच्चों की जान को खुद जोखिम में डाल रहे हो। जितनी महानगर पालिका जिम्मेदार है, उतने ही हम भी जिम्मेदार हैं। कम से कम आप गटरों को खुला रखें तो हम लड़ झगड़ के इनसे काम करवा सकते। मैक्स स्टेप के एक इशारे पे पूरा महकमा दौड़ रहा है तो काम करवाना कौन सी बड़ी बात है? लेकिन आज अतिक्रमण की वजह से उन्हें भी बहाना मिल जाता, काम नहीं करते। हम शहरियान से गुजारिश करना चाहेंगे, कल थोड़ा सी बारिश आई है, इसी तरीके से अगर जो पानी आया तो गरीबों के तो जाने दो, मस्जिदों में बड़े पक्के घरों में पानी घुसेगा, क्योंकि गटरों का निकाल नहीं है। सड़कें इस तरीके की बनी हुई है कि जैसे सद्दा बद्दा के पहाड़ बना दिए गए हैं, ऐसे पहाड़ जैसे सड़कें बना दी गई है, लोगों के घर नीचे हो गए तो पानी जाएगा कहाँ? हमारी शहरियान से अपील है कि इस पे ध्यान दे। माननीय कमिश्नर साहब से हमारी अपील है कि सर, आप प्रशासक हैं, आप मालेगांव शहर के माई बाप हैं, आपको किसी मेयर से, किसी कॉरपोरेटर से, किसी स्टैंडिंग कमेटी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है।
आप जो चाहे वो फैसला ले सकते हैं। तो मालेगांव शहर की गरीब आवाम ने आपका क्या बिगाड़ा है, हमारी आपसे मुहद्दमाना गुजारिश है कि मालेगांव शहर के काम पे ध्यान दिया जाए। और बारिश लग रही है, तमाम नालों की गटरों की पूरी तरीके से सफाई हो, स्कूलों के पास पूरी साफ सफाई हो, ताकि बच्चों को आने जाने वालों को कोई तकलीफ ना हो सके। हम आज जो फायर ब्रिगेड के लोग, कॉरपोरेशन के लोग जो आए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम ये चाहेंगे कि ईमानदाराना तौर पे आप पगार ले रहे हो, आप उसकी रोटी रोजी खा रहे हो, तो आप ईमानदाराना तौर पे आवाम का काम करें, तो ये नौबत नहीं आएंगी कि कोई सड़क पे आए।